जय। भारत माता की जय। आज हमने यहाँ पर भगत सिंह जी को उनके जन्मदिवस के ऊपर आज श्रद्धांजलि अर्पित की है और सारे युवाओं ने इकट्ठे होकर उनको पुष्प अर्पित किए हैं और उनको याद किया है। भगत सिंह वो क्रांतिकारी नेता जिन्होंने एक छोटी सी उम्र में देश के लिए अपने प्राणों की आहुति दी। उन्होंने युवाओं को एक मैसेज दिया कि देश के लिए किस प्रकार से जिया जाता है, देश के लिए किस प्रकार से मरा जाता है। उनकी देश के प्रति प्रेम वह उनकी शहादत से दर्शाता है कि उन्होंने एक छोटी सी उम्र में केवल 23 वर्ष की आयु में देश के लिए अपने प्राणों की आहुति दी। पर आज का युवा जो है वो नशे की ओर दौड़ रहा है। हम आज के युवाओं से ये अपील करना चाहते हैं कि भगत सिंह राजगुरु सुखदेव जी से कुछ सीखे। उन्होंने जिस प्रकार से देश के लिए अपने प्राणों की आहुति दी और उनका प्रेम जो देश के लिए, उससे कुछ सीखे और उनके पदचिह्नों पे चलने की कोशिश करें। हम केंद्र सरकार से भी ये अपील करना चाहते हैं कि केंद्र सरकार उनको शहीदी का दर्जा देने का काम करे जो बड़ी लंबे समय से एक मांग थी और लगातार पूरे देश के अंदर ये मांग जो है वो जोर पकड़ रही है कि भगत सिंह राजगुरु सुखदेव जी को आज तक शहीदों का दर्जा नहीं मिला और उनको सरकार जो है जल्द से जल्द शहीदों का दर्जा दे ताकि जो मांग लोगों द्वारा उठाई जा रही है उसको पूर्ण जो है वो सरकार करे। पंजाब सरकार ने भगत सिंह जी राजगुरु सुखदेव जी के शहीदी दिवस के ऊपर छुट्टी घोषित की, सरकारी कार्यालयों के पीछे उनका चित्र लगाने का काम किया, उसके लिए हम उनका धन्यवाद करते हैं। लेकिन केंद्र सरकार अभी तक इस काम को पूरा क्यों नहीं कर सकी? केंद्र सरकार अभी तक इन तीनों को न्याय क्यों नहीं दे सकी? ये सोचने का विषय है। हम केंद्र सरकार से फिर से अपील करते हैं कि केंद्र सरकार जल्द से जल्द इन तीनों को शहीदों का दर्जा देने का काम करे जो पूरे देश के युवा, पूरे देश के नागरिक जो है जो मांग कर रहे हैं।